हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक पैसेज ट्रांसलेशन लेकर आए हैं जिसका हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये थोड़ा सा इजी पैसेज है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस इसमें है कि एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। जैसा कि देखा जाए तो ये काम पास्ट टाइम में जारी था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो सबसे पहले हम एक बार के लिए यहाँ पे वंस का यूज कर देंगे, वंस। अब इसमें सब्जेक्ट है एक चित्रकार, यानी कि एन आर्टिस्ट, वंस एन आर्टिस्ट। अब सजा रहा था, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करना है, वाज डेकोरेटिंग। वंस एन आर्टिस्ट वाज डेकोरेटिंग, एक बार एक चित्रकार सजा रहा था अब एक महल को, यानी कि अ पैलेस, डेकोरेटिंग अ पैलेस। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था, जिसको हमने ट्रांसलेट किया कि वंस एन आर्टिस्ट वाज डेकोरेटिंग अ पैलेस, एक बार एक कलाकार या एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। यहाँ पर टेंटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, जब वह दीवारों को रंग रहा था, या भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। तो व्हेन ही वाज, जब वह रंग रहा था, व्हेन ही वाज पेंटिंग, जब वह रंग रहा था, व्हेन ही वाज पेंटिंग दीवारों को, द वॉल्स, व्हेन ही वाज पेंटिंग द वॉल्स, जब वह दीवारों को रंग रहा था तो उसे अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। तो के लिए हम यहाँ पे कॉमा का यूज कर देते हैं, जब भी वैन का यूज होता है तो के लिए कॉमा का यूज करते हैं। उसे अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई, तो उसे इच्छा हुई, ही विश्ड, उसे इच्छा हुई के लिए ही विश्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। उसे इच्छा हुई, ही विश्ड। अब क्या करने की, देखने की, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, टू सी, देखने की, क्या देखने की, अपने कार्य को, अपने कार्य को ही। अगर सब्जेक्ट इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हम इसका यूज करते हैं, टू सी हिज वर्क, टू सी हिज वर्क, अपने काम को देखने की इच्छा हुई दूर से, दूर से का मतलब फ्रॉम डिस्टेंस, फ्रॉम डिस्टेंस। तो जब वह दीवारों को रंग रहा था, व्हेन ही वाज पेंटिंग द वॉल्स, तो उसे अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई, he wished to see, उसे देखने की इच्छा हुई his work, अपने कार्य को from distance, अर्थात दूर से। अब next sentence है, पीछे हटते हटते वह चबूतरे की छोर तक पहुंच गया। तो पीछे हटते हटते, यहाँ पे एक वर्ड दो बार आया, हटते हटते, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम while प्लस वर्ब में ing का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले while का यूज करेंगे, फिर वर्ब में आएंगे, वर्ब क्या है, पीछे हटना, अर्थात मूविंग बैक। यहाँ पे वाइल के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हम करते हैं फ्रेंड्स। तो वाइल मूविंग बैक, पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया, तो वह पहुंच गया, ही रीच्ड, वह पहुंच गया के लिए ही रीच्ड। अब चबूतरे के छोर तक, यानी कि एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, चबूतरे के लिए हम प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और छोर तक, यानी उसके एकदम किनारे तक, उसके अंत तक, यहाँ पे एट द एंड ऑफ का यूज करेंगे। व्हाइल मूविंग बैक, पीछे हटते हटते ही रीच्ड, वह पहुंच गया एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, अर्थात चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, यदि वह एक कदम और पीछे हटा होता तो जमीन पर गिर गया होता। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक कंडीशनल सेंटेंस है ये, कि यदि वह एक कदम और पीछे हटा होता, ये कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों के लास्ट में आ होता आया हुआ है। तो पहले वाले क्लॉज में हम हैड प्लस वी थ्री का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट के रूल से, और दूसरे वाले हमें वुड हैव का यूज करना होगा फ्रेंड्स। तो यदि वह एक कदम और पीछे हटा होता, इसके लिए इफ ही,
फ्रेंड जब भी हमारा सेंटेंस एक कंडीशनल सेंटेंस हो और दोनों के लास्ट में हिंदी में आ होता ई होती ए होते आया हो तो हम क्या करते हैं, पहला जो इफ वाला क्लॉज है उसमें हमें हैड के साथ V3 का यूज करना होगा और जो सेकंड क्लॉज है उसमें हमें वुड हैव के साथ V3 का यूज करना होगा। तो हम ये फर्स्ट क्लॉज बना रहे हैं, तो इफ ही हैड अब पीछे हटा होता मूव्ड बैक, इफ ही हैड मूव्ड बैक। अब इसके बाद है एक कदम और, तो उसके लिए वन मोर स्टेप। इफ ही हैड मूव्ड बैक वन मोर स्टेप, यदि वह एक कदम और पीछे हटा होता तो जमीन पर गिर गया होता, तो के लिए कॉमा लगाएंगे। ही वुड हैव, अब दूसरी क्लॉज में हमें वुड हैव का यूज करना है और वुड हैव के साथ भी हमें V3 का यूज करना होता है। फॉलन डाउन, वह गिर गया होता, तो यहाँ पे हमें V3 का यूज करना होगा। फॉलन डाउन, वह गिर गया होता, कहाँ गिर गया होता, जमीन पर, यानी कि ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो इफ ही हैड मूव्ड बैक वन मोर स्टेप, यदि वह एक कदम और पीछे हटा होता, ही वुड हैव फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वह जमीन पर गिर गया होता। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखते हैं इसके आगे का पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स इस पैसेज में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके नौकर ने उसे देख लिया। किसने देख लिया? उसके नौकर ने। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसके नौकर जो कि सब्जेक्ट हमारा है उसको लिखेंगे, हिज सर्वेंट। उसके नौकर ने उसे देख लिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सॉ हिम। हिज सर्वेंट सॉ हिम, उसके नौकर ने उसे देख लिया। उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया, तो उसने एकदम फेंक दिया अर्थात ही एट वंस, एकदम का मतलब तुरंत ही, तो तुरंत के यहाँ पे एट वंस का यूज करेंगे। ही एट वंस फेंक दिया, थ्रो, यहाँ पे थ्रो का सेकंड फॉर्म यूज करना है, थ्रो, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही एट वंस थ्रो, उसने एकदम फेंक दिया, क्या फेंक दिया, रंग का बर्तन। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं द पॉट फुल ऑफ कलर, अर्थात रंग से भरा हुआ बर्तन। ही एट वंस थ्रो द पॉट फुल ऑफ कलर, उसने एट वंस यानी कि एकदम रंग से भरा हुआ बर्तन फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया, दीवार पर, यानी कि अपॉन द वॉल, अपॉन द वॉल। नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया, तो चित्रकार को बहुत क्रोध आया, पहले ये हमें बनाना है, तो द आर्टिस्ट, चित्रकार को बहुत क्रोध आया, द आर्टिस्ट बिकेम वेरी एंग्री, बहुत क्रोध आया, यानी कि चित्रकार बहुत क्रोधित हुआ, हमें बताना है कि चित्रकार बहुत क्रोधित हुआ, तो द आर्टिस्ट बिकेम वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। अब नौकर के व्यवहार पर, तो इसके लिए हम यहाँ पे एट का यूज करने वाले हैं, एट द बिहेवियर, एट द बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट, नौकर के व्यवहार पर, एट द बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट। तो हमारा सेंटेंस था फ्रेंड्स कि नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया, तो चित्रकार को बहुत क्रोध आया का मतलब है चित्रकार बहुत क्रोधित हुआ, तो इसके लिए हमने बनाया कि द आर्टिस्ट बिकेम, चित्रकार हुआ वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित, एट द बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट, नौकर के व्यवहार पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, तो वह तुरंत आगे बढ़ा, तो ही एट वंस प्रोसीडेड, या फिर ही प्रोसीडेड, वह आगे बढ़ा एट वंस, तुरंत ही प्रोसीडेड एट वंस, वह तुरंत आगे बढ़ा, इसलिए नौकर को दंड देने के लिए, टू पनिश द सर्वेंट, तो वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, तो यहाँ पे द सर्वेंट के जगह पर प्रोनाउन हिम का यूज कर सकते हैं, तो पनिश हिम, उसे दंड देने के लिए, वह तुरंत ही उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, तो ही प्रोसीडेड एट वंस टू पनिश हिम,
तुम्हारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, तो नौकर ने बताया, तो द सर्वेंट टोल्ड, द सर्वेंट टोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड द रीजन, टोल्ड द रीजन, नौकर ने कारण बताया क्या करने का, रंग फेंकने का, ऑफ थ्रोइंग, फेंकने का, ऑफ थ्रोइंग द कलर, नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, द सर्वेंट टोल्ड द रीजन ऑफ थ्रोइंग द कलर। अब इसके बाद है, तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। तो या तो हम खुश होकर के लिए बीइंग हैप्पी का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करके बना सकते हैं कि तब वह चित्रकार उस पर बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा इनाम दिया। तो इसको सेपरेट करके बनाते हैं, देन तब के लिए देन का यूज करेंगे, देन द आर्टिस्ट, देन द आर्टिस्ट, तब चित्रकार बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ, then the artist became very happy, तब चित्रकार बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा इनाम दिया, and gave him, और दिया, and gave him, ढेर सारा इनाम, यानी कि a lot of awards, a lot of awards। तो सेंटेंस हमारा था कि तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया, या तो हम इसको बीइंग हैप्पी से कर सकते हैं कि बीइंग हैप्पी द आर्टिस्ट गेव द सर्वेंट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, इस तरह से तो बना सकते हैं, या फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, आधा आधा करके बना सकते हैं कि तब वह चित्रकार बहुत खुश हुआ और अपने नौकर को ढेर सारा इनाम दिया। तो हमने इसको इस तरह से बनाया है कि देन द आर्टिस्ट बिकेम वेरी हैप्पी, तब चित्रकार बहुत खुश हुआ, एंड गेव हिम अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, और उसे ढेर सारा इनाम दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये पैसेज ट्रांसलेशन हमने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी था। इसमें ज़्यादातर सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही है, और स्टार्टिंग के दो सेंटेंस इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थे। तो अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आपको पैसेज ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।